बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। SLO है हमारा आज का 3.2.2, ठीक है। उसके अंदर हमें डिफाइन करना है कुछ टर्म्स को विद रेफरेंस टू द एलिमेंट्स। में हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एटॉमिक रेडियाई होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं शील्डिंग इफेक्ट से। एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है, ठीक है, मींस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है, सेंटर जो एटम के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में होते हैं, ठीक है, ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका डिक्रीज हो जाना इज कॉल्ड वर्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट शील्डिंग इफेक्ट, ओके। अगर हम एलिमेंट्स को, ठीक है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और मतलब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी हैव लिथियम, इफ वी हैव ब्रिलियम, इफ वी हैव मैग्नीशियम, देयर आर थ्री एलिमेंट्स, उनके हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के बाद देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि इनमें शील्डिंग इफेक्ट आया कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल मींस कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो इट मींस नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर मैग्नीशियम और लिथियम को हम कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें, या लिथियम और सोडियम को कंपेयर करें, ठीक है, ये हमारे पास पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो ये पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। पर हम ग्रुप की अगर बात करें तो अगर हम ग्रुप में मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखें, लिथियम और सोडियम का ये कंपेयर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके फर्स्ट और सेकंड शेल को मिला के, जबकि सोडियम में हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल में हमारे पास 8 होंगे और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जिन एलिमेंट्स का मतलब अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी कंपेयर करें तो उनका क्या होगा, हमारे पास जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसको हमने क्या कहा, शील्डिंग इफेक्ट कहा, ठीक है। तो ये हमारे पास था सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट। अब हम मूव करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को एलिमेंट्स दिए जाएं, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, आप लोगों को बताना होगा कि किस शील्डिंग इफेक्ट किस एलिमेंट का ज्यादा है, ठीक है, किस एलिमेंट का ज्यादा है। अगर कार्बन और सिलिकॉन के का दिया जाता है या लिथियम और ब्रिलियम का दिया जाता है, ठीक है, कोई से भी एलिमेंट्स का दिया जाता है और आपको बताया जाए कि इनमें शील्डिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई कहें या एटॉमिक साइज एक ही बात होगी। सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज होता क्या है, ठीक है। हमारे पास एटम होता है, ठीक है, एटम होता है, एटम के सेंटर पार्ट से लेके आउटर मोस्ट शेल तक किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक, चाहे वो पहला शेल हो, दूसरा शेल हो या तीसरा शेल हो, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, ठीक है। साइज ऑफ एन एटम इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल, ओके। मीन्स के एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई उसे कहेंगे कि एटम के, ठीक है, एटम के सेंटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस से लेके, ठीक है, या डिस्टेंस एटम के न्यूक्लियस से डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल तक का जो दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ, जो क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, आज हम डिफाइन करें ना इन टर्म्स को, ठीक है।
इन टर्म्स को डिफाइन करें कि एक्चुअल होता क्या है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हमारे पास, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, वो मिनिमम है, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स के एक ऐसी एनर्जी होती है या वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए नीड होती है। हमें पता है जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये एटम है हमारे पास, ये देखिए क्या है, एम कोई एटम है, जनरल एग्जांपल ली है, और प्लस आयोनाइजेशन मींस कि इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। रिमूव करने के बाद उस एटम के ऊपर क्या आ जाता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हमारे पास रिमूव हुआ, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, आयनाइजेशन एनर्जी कहा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हमारे पास अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आउटर मोस्ट शेल से क्या करे, किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे, रिमूव करने के बाद ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है वैलेंस शेल में, आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में क्या होता है, एड होता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास रिमूव हो रहा था, ठीक है, रिमूव हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो, हमारे पास वैलेंस शेल में एड हो। अब जब इलेक्ट्रॉन एड होता है तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, वो एटम नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। लॉस करने से वो एटम पॉजिटिव चार्ज बन जाता था, रिमूव करने से, एड करने से कोई भी एटम या एलिमेंट क्या बन जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एटम क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कोई भी एटम क्या बन जाता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है वैलेंस शेल में ऐड होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, हमारे पास यूनि नेगेटिव आयन बनाता है। अब देखें ये कोई एटम है हमारे पास, एग्जांपल बता रही हूँ, ये कोई एटम है, इसमें क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एड हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एड होने के बाद वो जो एटम, ठीक है, वो जो न्यूट्रल एटम था वो क्या हो गया, नेगेटिव आयन बन गया, यूनि नेगेटिव आयन, ओके। और उसके साथ क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो की एनर्जी थी वो क्या हुई, हमारे पास रिलीज हुई। सो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। हमारे पास ये जो टर्म्स हैं एक्चुअली ये मिक्सअप हो जाते हैं, थोड़ा सा समझना जरूरी है इनको, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरों के अपोजिट है, थोड़ा सा सोच समझ के हमें पढ़ना होगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एबिलिटी होती है एटम के अंदर, ठीक है, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, किस चीज के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे ताकि वो क्या कर सके, एक बॉन्ड बना सके, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो हमारे पास 4-5 टर्म्स थे हमने इनको डिफाइन किया। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है, हमारे पास किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, अट्रैक्ट करे ताकि वो किसी दूसरे एटम के साथ क्या बना सके, हमारे पास जाहिर बात है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो क्या करेगा, वो उस एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो एबिलिटी
एबिलिटी किसी एटम की जो क्या करे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस प्रॉपर्टी उस एटम की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने टर्म्स कुछ डिफाइन किए, उसमें सबसे पहले हमारे पास हमने क्या किया, शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन किया। देन हमने क्या किया, शील्डिंग इफेक्ट के बाद, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के बाद एटॉमिक साइज को हमने डिफाइन किया कि एटॉमिक साइज होता क्या है। देन उसके बाद हमने डिफाइन किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, और लास्ट जो हमारा था क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाए और कहा जाए कि इस एलिमेंट की शील्डिंग इफेक्ट क्या है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके दिया जाए कि उन एलिमेंट्स की शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, किसकी ज़्यादा होगी, और अगर कोई दो एलिमेंट्स दिए जाए कहा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हम इजिली देख के बता सकते हैं। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इस टॉपिक में आप लोग क्या करें, जो भी आप लोगों को जो भी मतलब टर्म्स हमने डिफाइन किया है, इन टर्म्स को आप लोग क्या करें, डिफाइन करके अपने वर्ड्स में मुझे लिख के भेज दें। ठीक है, उसके अलावा आप लोग एलिमेंट्स को कंपेयर करके, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और कम है, दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके आप लोग मुझे एज अ होमवर्क भेज सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। नेक्स्ट हम ट्रेंड्स को, ठीक है, ये ग्रुप्स में और पीरियड में ये आया बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है या कम होता है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हमने इन टर्म्स को डिफाइन किया आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।